Curfew remained in place for the third day in Ahmedabad on Thursday after clashes between police and influential Patel clan demanding quota in jobs and educational institutions claimed 7 lives. Residents asked the powerful clan demanding reservation in job and education to find a solution to the issue through dialogue with the government even as curfew continued to hit normal life in parts of the state. The army was called and patrol route hit areas of Prime Minister Narendra Modi's home state of Gujarat after the death toll rose to 7 in 2 days of caste-related violence on Wednesday. Violence broke out following the arrest of Hardik Patel, the leader of the Patidar community, spearheading the campaign for reservation in government jobs and admission to government institutions under the OBC quota. Shops, schools, business establishments remained closed for the third day in Ahmedabad. पुलिस टीम्स वर डिप्लॉयड एट वेरियस पॉइंट्स टू अवॉइड अनटूवर्ड इंसिडेंट्स। हर चीज का समाधान बात करके किया जा सकता है। हाँ, उनके कुछ प्रॉब्लम्स होंगे और कुछ हद तक उसके सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं, पर वो चीजें बात करके सॉल्व करनी चाहिए, ना ही कि ऐसे कि अनसन और ये सब हंगामा करके। हाउएवर, लाइफ इन राजकोट, अनदर प्रोमिनेंट सिटी इन द स्टेट, क्रॉल बैक टू नॉर्मलसी। सब लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं, बरोबर है, और अपने जो एक शांति सा जो माहौल है वो बनने के कारण अभी लोग अभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो उनकी यही भारत की और गुजरात की सोच है कि अगर शांति से रहेंगे तो जिंदगी में बहुत बेटर रहेगा। Meanwhile, in Surat, curfew has been lifted. Police Commissioner Rakesh Asthana said that there is peace in the city today. However, army has been deployed in various places as a confidence building measure. शहर में आज संपूर्ण शांति है, बाजार खुले हैं, लोग बाग अपने बिजनेस पे भी गए हैं, फैक्ट्रीज खुल गई हैं और जनजीवन बिल्कुल सामान्य है। हमने भी जो दो पुलिस स्टेशन में कर्फ्यू लगाया था, सरथाना और कापोद्रा पुलिस स्टेशन विस्तार में, वो सुबह 8 बजे से उठा लिया है और पुलिस का प्रेजेंस, जो भी बाहर से फोर्स आई थी, सब डिप्लॉयड हैं। उच्च अधिकारी भी फील्ड में हैं और पेट्रोलिंग, फिक्स्ड पॉइंट्स, सब कुछ बंदोबस्त चालू है। आर्मी के दो कॉलम डिप्लॉय हुए हैं जिनका फ्लैग मार्च अभी शुरू किया है शहर में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, और वो आर्मी का कॉलम अभी एक दिन हमारे साथ यहाँ रहेगा और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। बाकी शहर में पूर्ण शांति है। कल पीस कमेटी की मीटिंग भी हुई थी और जो आंदोलन जिन लोगों ने शुरू किया है और जो उसमें शामिल हैं और जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके साथ भी मीटिंग पुलिस स्टेशन लेवल पे की गई थी और उनको भी ये निर्देश दिया गया था कि जनता में शांति रखने के लिए अपील करें और काम करें पुलिस के साथ। लोगों के लिए एक संदेश है, सूरत के शहर के लोगों के लिए एक ही संदेश है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दें, शांति रखने में पुलिस की मदद करें और पुलिस पे भरोसा रखें। हम आपकी मदद के लिए हैं और शहर में शांति के लिए तमाम कोशिश हम लोग करेंगे। From various ANI bureaus.